दोस्तों, आज मैं तीन असरदार नुस्खे शेयर करूंगी जो हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त करेगा, नस में से जो गैस है उनको निकालेगा, हड्डियों में जो दर्द है उनको भी दूर करेगा। सिर्फ एक चम्मच आपको खा लेना है। दोस्तों, माना जाता है कि हर बीमारी का इलाज पेट से ही होता है। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी आपको नहीं लगेगी। सिर्फ एक चम्मच आपको खा लेना है, पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पहला नुस्खा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन लिया है। बर्तन थोड़ा मोटा सा लें और अपने जो गैस फ्लेम है उसको धीमा ही रखें। उसमें लेना है एक बड़े चम्मच से साबुत धनिया। साबुत धनिया हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से ठीक करता है अगर कोई समस्या हो तो, यहाँ तक कि जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उनको भी कम करता है। ये ब्लड प्रेशर वाले मरीज के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि वात रोग नहीं होने देता है। विटामिन सी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी इसमें हमें लेना है बड़े चम्मच से एक चम्मच आपको अजवाइन। अजवाइन के फायदे हम सभी जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है, पेट से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होती है, ना खटी डकार होती है, ना बवासीर की भी प्रॉब्लम इससे दूर होती है। बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। आज मैं जो जो चीज़ें इसमें डालूंगी सारे कुछ के एक साथ मिलाकर आप लेंगे तो आपके पेट की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अभी हम इसमें डालेंगे दोस्तों एक बड़े चम्मच से जीरा। जीरा अगर साह जीरा हो तो बहुत ही अच्छा है। जीरा हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जितने भी पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनको दूर करता है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, खून सही ढंग से बनता है शरीर में, जो भी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। तो ये हमें अपने, जैसे मैं बताऊंगी, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़रूर शामिल करना चाहिए इसे। तो देखिए, इसे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए हमें रोस्ट करना है। तो इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसका पाउडर बनाएंगे दोस्तों। उसके पहले इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे जो बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, हमारे पाचन क्रिया को अच्छा करने के लिए। तो वो सारा कुछ अभी मैं बताती हूँ। तो देखिए, ये ठंडा हो गया है तो इसे हम डाल देंगे। इसे हम मिक्सी में डालेंगे और इसे हम पीसेंगे। उसके पहले दोस्तों इसमें हम डालेंगे एक बड़े चम्मच से सौंफ। तो हमने जो ये चारों चीज़ें ली हैं वो एक एक चम्मच बड़े चम्मच ली हैं, बराबर क्वांटिटी में ली हैं, बराबर मात्रा में। तो अगर आपको इसे ज़्यादा कम करना है तो आप इसे अपने अनुसार कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे एक बड़े चम्मच से सौंफ। तो इन चारों चीज़ों को हमने एक एक चम्मच लिया था बड़े चम्मच से, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। सौंफ के बहुत फ़ायदे हैं, हमारे पेट को ठंडा रखता है और बहुत सारा फाइबर होता है इसमें, पेट के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमें हेल्दी रखने के लिए। तो ये जो चूर्ण है हमने तैयार कर लिया है, इसमें दो चीज़ें और मैं मिलाऊंगी जो इसके फ़ायदे को और बढ़ा देगा। तो इसमें मैं डालूंगी एक छोटे चम्मच से जो ब्लैक काली सॉल्ट डालती है, जिसे हम काला नमक बोलते हैं, वो डालेंगे। और इनके साथ अगर काला नमक मिला कर लो दोस्तों, गजब का फ़ायदा करता है। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनको अगर पॉटी नहीं आती है, आपके पेट में दर्द रहता है, पेट फुला फुला रहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो चलिए जान लेते हैं इसे लेना कैसे है। इसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे पानी। एक गिलास लगभग पानी ले लें। पानी को हल्का गुनगुना करना है दोस्तों, बिल्कुल उबालना नहीं है इसे। और इसमें अगर आपको हींग, अगर आप हींग के स्वाद अगर आप ले सकते हैं तो लें। हींग हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। माना जाता है कि हींग अगर हमारे शरीर में पत्थर हैं तो उनको भी ये जो डाइजेस्ट करा देगा, पचा देगा। इतनी ताकत होती है हींग में, किसी भी चीज़ को ये पचा सकता है, माना जाता है आयुर्वेद में। तो अगर आप हींग ले सकते हैं तो एक चुटकी हींग ज़रूर से डालें पानी में और इसे अच्छे से मिल जाने दें पानी में। नहीं अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं। देखिए, तो हम गुनगुना पानी एक ग्लास में ले लिया है हमने। और जो चूर्ण हमने बनाया है, अगर आप उसे फांक कर खा सकते हैं तो खा लें, उसके बाद ये पानी पी लें। अगर आप इसे फांक कर नहीं खा सकते हैं तो ये मीडियम साइज की जो चम्मच आती है उसी से लें, एक चम्मच आप पानी में मिला लें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। आप इसे किसी भी वक्त ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे दिन में दो बार ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को इसमें मिश्री मिला के दे दें, थोड़ा मीठा होगा, बच्चे ले लेंगे।
घर की सामग्री से ही बनाया गया है दोस्तों। आपको ये लेते ही 5 मिनट में ही आपको पेट हल्का लगेगा और आपको बाथरूम आने लगेगा, बहुत फ़ायदा करेगा, आप इसे रोज़ अपनाएं। दोस्तों दूसरा नुस्खा जान लेते हैं। दूसरा नुस्खा में हमने यहाँ पे लिया है दूध, 1 कप दूध लिया है दोस्तों हमने यहाँ पे। कोशिश करें कि आप इसमें भैंस की दूध लें या फिर जो भी दूध है वो चलेगा, लेकिन भैंस की दूध ज़्यादा फ़ायदा करता है। दूध को हम हल्का सा उबला हुआ दूध ही ले दोस्तों, दूध पहले से उबाला हुआ है इसलिए अभी मैं यहाँ पे नहीं उबालूँगी, इसे हल्का हम गर्म कर लेंगे गुनगुना होने तक। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों जो अभी मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। इसको कैसे लेना है वो आपको मैं बताऊँगी। ये उनके लिए है जिनको बहुत दिनों से, 2-3 दिनों से पॉटी नहीं आई है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट में समस्या रह रही है, ये उनके लिए भी नुस्खा मैं बता रही हूँ। देखिए तो दूध हल्का गुनगुना हो गया है, अब इसे हम 1 कप में निकाल लेंगे गुनगुना दूध दोस्तों। और हम इसमें 1 बड़े चम्मच से जो देसी घी आती है, घर में बनी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, देसी घी हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच। तो आपको लेना कब है इसे, आपको दोस्तों इसे रात में सोने जब जा रहे हों उसके 5 मिनट पहले आप इसे सिप सिप करके पी लें और सो जाएं, नींद बहुत अच्छी आएगी। नींद अगर अच्छी आएगी आपकी तो पाचन क्रिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि रात में ही खाने डाइजेस्ट होते हैं, जो भी हम खाते हैं वो दिन में नहीं डाइजेस्ट होते हैं, हम नहीं पचते हैं, पाचन क्रिया रात में ही होती है, तो हमारा लीवर रात में ही काम करता है। हमारी पाचन क्रिया अगर ठीक रही तो वात रोग ठीक रहेगा, तो हमारे हड्डियों का दर्द नहीं होगा, नसों में दर्द कम होगा, तो इन सब सारी समस्याओं के साथ साथ हम बहुत अन्य समस्याओं को भी इससे दूर रख सकेंगे दोस्तों। तो इसे जैसे मैं बताई हूँ उसे आप अपनाएं। तो अभी इसके आगे मैं बता दूं कि आपको क्या लेना है, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो दूध वाला है ये आप बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिश्री मिला दें या गुड़ मिला दें और उसके बाद आप बच्चों को भी दे सकते हैं, छोटों बच्चों को कोई नुकसान नहीं करेगा। अब इसके बाद जो नुस्खा मैं बता रही हूँ ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ बड़े और बुज़ुर्गों के लिए है। और ये नुस्खा उनके लिए है जिनको लगभग 7 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको बाथरूम नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, ये उनके लिए अभी मैं नुस्खा बता रही हूँ। तो ये लेते ही आप सीधे भागोगे बाथरूम, इतना असरदार ये नुस्खा है दोस्तों। देख रहे हैं जो चम्मच मैं दिखा रही हूँ, मैं ये एक तेल है और इसे हम कैस्टर ऑयल बोलते हैं, साथ ही साथ इसे अरंडी का हम तेल बोलते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, अरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल, ये इतना ज़्यादा असरदार है दोस्तों कि इसे आप लेने के तुरंत बाद आप बाथरूम भागेंगे। इसे लेना कैसे है, तो इसे आपको 1 कप गुनगुना दूध में 1 चम्मच ये कैस्टर ऑयल मिला देना है और इसे आपको सिप सिप करके लेना है, किसी भी वक्त आप इसे ले सकते हैं। इसे आपको रोज़ नहीं लेना है, जब भी आपको 7 से 8 दिन तक पॉटी नहीं आ रही है, पेट में कब्ज है, तब आप इसे ले लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्रिया। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।